नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खूंटी जेल में बंद महिला बंदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में खूंटी जेल के दो कर्मचारियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, साथ ही गर्भवती होने पर अबॉर्शन कराने का भी आरोप लगाया है। महिला बंदी ने आरोप लगाया है कि जेल के कर्मचारी बंदी पत्र नहीं लिखने देते थे, इसीलिए रिहा होने वाले महिला बंदी के माध्यम से पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक महिला लुधियाना की रहने वाली है, लेकिन पुश्तैनी घर खूंटी में ही है। पुलिस ने उसे अफीम तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जेल के दोनों कर्मचारियों ने छोड़ने का प्रलोभन देकर एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जब वह गर्भवती हो गई तो पहले उसे जान से मारने की धमकी दी गई, फिर अबॉर्शन करा दिया गया। महिला का आरोप है कि अबॉर्शन कराने की तारीख बैक डेट से 3 माह पहले दिखाया गया है। महिला ने आयोग से मांग की है कि उसके आरोपों की जांच की जाए, साथ ही उसके मेडिकल रिपोर्ट की जांच विशेष टीम से कराई जाए। महिला ने पत्र लिखा है कि जिन दो जेल कर्मियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है उसमें से एक 6 साल से और दूसरा 8 साल से खूंटी जेल में ही पदस्थापित है। दोनों जेल कर्मी उसके अलावा दूसरी महिला बंदियों के साथ गलत काम किया है। इस मामले में जेल आईजी ने बताया कि इस तरह का मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा है तो मामले की जांच होगी। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक सिन्हा फोन लाइन पर बने हुए। अभिषेक, खूंटी जेल में बंद एक महिला कैदी ने दो जेल कर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। आयुष, देखिए, ये बिल्कुल सनसनी केस खुलासा हुआ है। अभी एक चिट्ठी वायरल हुई है, ये चिट्ठी राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा गया है। चिट्ठी लिखने वाली लुधियाना की महिला बताई जा रही है, जो आदिवासी महिला है, और आदिवासी महिला के साथ जेल में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला का आरोप है कि जेल के जमादार विनोद कुमार पांडे और जेल में क्लर्क जो है वो अभी कारापाल के प्रभार में भी है, दोनों ने मिलकर महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया है और 1 महीना तक दुष्कर्म करते रह गए। उसको जेल से छोड़ने के एवज में उसको ये लालच दिया गया कि जेल से छोड़ दिया जाएगा और इस एवज में 1 महीना तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद जबरदस्ती धमकी देकर उनको चुप कराया गया और उनको जेल के अस्पताल कर्मियों के साथ मिलकर उनका अबॉर्शन भी कराया गया। आयुष, ये सिर्फ दो लोग नहीं है, ये काफी लोग हैं जो लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। महिला आदिवासी है, ये झारखंड की अस्मिता की बात है, अस्मिता के साथ खिलवाड़ है ये झारखंड की, कि झारखंड के जेल में महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार होता रहा और महीनों तक होता रहा। इसके अलावा भी महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि व्हाट्सएप पर गंदे चैट किया करता है विनोद पांडे, और विनोद पांडे के फोन की अगर जांच की जाएगी तो सारा डेटा बेस निकल कर बाहर आ जाएगा कि किस तरीके से जेल की दूसरी महिलाओं को भी शिकार बनाया जा रहा है। आयुष, बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले में जेल के वरीय अधिकारियों का क्या कहना है, क्या कोई कार्रवाई की पहल की गई है? आयुष, ये तो समझने वाली बात है कि अगर जेल के अधिकारियों से कार्रवाई की आप उम्मीद करते तो फिर राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ती। ये सीधी सी बात है कि जेल के अधिकारियों की भी मिलीभगत है, संरक्षण दिया जा रहा है, और यही कारण है कि ये दोनों जो है विनोद पांडे और जो क्लर्क है और साथ में कारापाल के प्रभार पर भी है इनका बस। जी अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खूंटी जेल में बंद एक महिला कैदी ने जेल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल से छोड़ने का प्रलोभन देकर करीब 1 माह तक जेल के दो कर्मियों ने एक महिला कैदी के साथ यौन उत्पीड़न किया है, जिसके बाद वो महिला कैदी गर्भवती हो गई थी, उसका अबॉर्शन कराया गया। अब महिला कैदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है, न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही अपने मेडिकल रिपोर्ट की विशेष टीम के द्वारा जांच की मांग की है। तो एक बड़ी खबर खूंटी जेल से निकलकर सामने आई। खूंटी जेल में बंद एक महिला कैदी ने महिला आयोग को पत्र लिखा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए यह बताया है कि उनके साथ करीब 1 महीने तक जेल के दो कर्मियों ने यौन उत्पीड़न किया है।
जेल से छोड़ने का प्रलोभन देकर जेल कर्मियों ने करीब एक महीने तक उस महिला कैदी का शारीरिक शोषण किया। महिला जब गर्भवती हो गई तो उसका अबॉर्शन करवाया गया, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पत्र के जरिए महिला कैदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को बताया कि करीब एक महीने तक शारीरिक शोषण उनका किया गया, जेल से छोड़ने का प्रलोभन दिया जा रहा था, लेकिन जब आगे बात पहुंचाने की बात कही गई, चिट्ठी लिखने की बात कही गई, तो जान से मारने तक की धमकी जेल के कर्मियों ने इस महिला कैदी को दी है। हालांकि इस मामले को लेकर जेल आईजी का कहना है कि मामले का सत्यापन किया जाएगा और जांच किया जाएगा, लेकिन खूंटी जेल से, अगर झारखंड की जेल से इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो यह सबको चौंका देने वाली बात है और सबके कान खड़े करने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे मसले ने शासन प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग से महिला कैदी ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि जिन दो कर्मियों पर, जमादार विनोद कुमार पांडे पर महिला ने आरोप लगाया है और साथ ही एक और जेल कर्मी है, इन लोगों को लेकर कई आरोप लगे हैं। इन पर आरोप है कि पहले भी महिला कैदियों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। हालांकि इस मसले को लेकर जेल के वरीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, और यही वजह थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग को आखिरकार पत्र लिखना पड़ा। एक और दुष्कर्म की बड़ी खबर झरिया से सामने आ रही है। बच्ची के साथ अधेड़ ने किया है दुष्कर्म का प्रयास। इस वक्त की बड़ी खबर, झरिया में एक अधेड़ ने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मोहल्ले के युवक के प्रयास से बच्ची को बचाया गया। चश्मदीद युवक को मिल रही है जान से मारने की धमकी। झरिया पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित बच्ची के बयान और चश्मदीद के बयान पर दो मामले दर्ज किए गए हैं। झरिया थाना क्षेत्र के बनियाहीर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। झरिया में एक बच्चे के साथ एक अधेड़ ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। हालांकि इस मामले में एक युवक के प्रयास से बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और पीड़ित बच्ची और चश्मदीद युवक के बयान पर दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित फोन लाइन पर बने हुए। अंकित, झरिया में एक बच्चे के साथ एक अधेड़ ने दुष्कर्म का प्रयास किया, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, बता दो कि झरिया में यह मामला प्रकाश में आया कि झरिया थाना क्षेत्र के बनियाहिर में एक 55 वर्षीय व्यक्ति जो कि मंगल सिंह नाम बताया जाता है, और वह अपने ही बगल के एक पड़ोसी है जिसकी बच्ची के साथ में, जो कि नाबालिग बच्ची है, मात्र 10 वर्ष की बच्ची है, जिसको रात में, जो कि देर रात वो बाहर में आंगन में सोई हुई थी, और उसको गोद में उठा करके ले जाकर जंगल में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। और जहां की बात करें हम आयुष, तो गर्मी का टाइम है, अगल बगल के पड़ोसी के कुछ लोग जगे हुए थे, उसी में एक लड़का जब देखा कि वो लड़की चिल्ला रही है तो उसको बचाने का प्रयास किया, और उसी के किस्मत से वो लड़की की जो है कि इज्जत और आबरू बच पाई और वो उसकी जान बची। तो जिसके बाद जो आज जो है कि लगातार उस जो युवक है, जो जश्मदीद है, उसको लगातार व्हाट्सएप मैसेज पर उसको जान से मारने की धमकी मिल रहा है। जिसके बाद जो पीड़ित है उसके तरफ से एक आवेदन, और एक जो है कि जश्मदीद है उसके तरफ से एक आवेदन, दो अलग अलग मामला दर्ज किया गया है, और आरोपी को जो है कि तत्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके धनबाद जेल भेज दिया, और मेडिकल के लिए पीड़िता को पॉक्सो एक्ट के तहत मेडिकल कराया जा रहा है। जी बिल्कुल अंकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर झरिया से निकलकर सामने आई, एक अधेड़ ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हालांकि मोहल्ले के एक युवक के प्रयास से बच्ची को बचाया जा सका, जिसके बाद आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे आपको बताते चलें कि युवक यानी चश्मदीद युवक और पीड़ित बच्ची के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर कोडरमा से निकलकर सामने आ रही है। कोडरमा में कंटेनर और ऑटो में सीधी टक्कर होने से बड़ा हादसा हुआ है। दो महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई है। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ऑटो सवार कई अन्य यात्री भी घायल हो गए हैं।
घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के मदन गुंडी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोडरमा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कंटेनर और एक ऑटो में टक्कर से दो महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में ऑटो सवार कई अन्य यात्रियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। पूरा मामला चंदवारा थाना क्षेत्र के मदन गुंडी का है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आर्यन फोन लाइन पर बने हुए। आर्यन, कोडरमा में भीषण सड़क हादसा हुआ, कंटेनर और ऑटो की सीधी टक्कर में दो महिला की मौत हो गई है, कई घायल हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए ये चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी इलाके की घटना है और आए दिन जो कोडरमा में सड़क दुर्घटना है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि आरकेएस कंस्ट्रक्शन जो सड़क जो निर्माण कार्य वाली जो कंपनी है वो कई सालों से धीमी गति से सड़कों को बना रही है। जगह जगह सड़क जो है वो डाइवर्सन है, जिस जगह पर ये हादसा हुआ है उस जगह पर भी जो वन वे है सड़क वो एक तरफ से बंद किया हुआ है। लंबी दूरी की गाड़ियों को ये नहीं मालूम होता है कि इस पर जो गाड़ी है विपरीत दिशा से गाड़ी उल्टे लेन में ही आएगी, यही वजह है। वहां उस स्पॉट पर कई बार हादसे हो चुके हैं और आज कंटेनर और ऑटो के बीच सीधी टक्कर हुई है, जिसमें दो जो महिला है उर्मा मोड़ की रहने वाली है दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। ड्राइवर जो है वो गंभीर रूप से घायल है और अन्य कई यात्री जो ऑटो में थे वो भी घायल है। फिलहाल स्थानीय लोगों का काफी आक्रोश है आरकेएस कंस्ट्रक्शन जो लापरवाही से सड़क बना रही है उस निर्माण कंपनी के ऊपर। जी, घायलों में किसी की क्या स्थिति गंभीर बताई जा रही है? जी बिल्कुल, दो जो महिला थी उनकी तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल है और एक दो जो और घायल है वो भी घायल है, जिन्हें रांची के रिम्स रेफर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल आर्यन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, कोडरमा में कंटेनर और ऑटो की सीधी टक्कर में दो महिला की मौत हो गई, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और साथ ही आपको बताते चले ऑटो में सवार कई अन्य यात्री घायल है। जिस तरह की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, इस दुर्घटना के कारण स्थानीय लोग आक्रोश है, सड़क निर्माण कार्य में लगे आरकेएस कंपनी के ऊपर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।